अगर आपका काम ऐसा है कि भाई मुझे रोज 12 घंटे ड्यूटी करनी है और आप सोच रहे हो मैं 3 घंटे पूजा पाठ करूंगा या करूंगी, तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो स्पिरिचुअल सीरीज में से है, और अगर आप इन चीजों से जरा भी ऊपर उठ चुके हैं ना कि वो लड़की मुझे इतना आकर्षित कर रही है कि कैसे भी करके मैं उसके नजदीक जाना चाहता हूँ, उसके साथ में अकेले समय बिताना चाहता हूँ, उसका फोन नंबर मुझे कैसे भी करके मिल जाए, जब वो लड़का इतना अट्रैक्टिव है कि उसके साथ में मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी के हम लोग मजे लूटना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ हा हुल्ला करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, उसके लिए चाहे हमें किसी को मारना पड़े काटना पड़े, उसके बाद चाहे हम अपने घर वालों से नजरें मिला पाएं या ना मिला पाएं, खुद से नजरें मिला पाएं या ना मिला पाएं, उसके चाहे कितने भी बुरे परिणाम हों, बस हम जीवन में मस्ती मखौल यही करना चाहते हैं। अगर आप इन चीज़ों से जरा भी ऊपर उठ चुके हैं या उठना चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो में आगे बढ़िए, नहीं तो वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, और सही मायने में कहूं तो हाउ टू लिव स्पिरिचुअलिटी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे हम इसको अपने डेली रूटीन के कार्यों के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हमें अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों की जरूरत है या किन चीज़ों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो दोस्तों मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, हीलर, पाम रीडर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने का। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM करके मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हैं, और अगर आज इस चैनल पर नए आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा वादा है कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर करूंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। देखिए हम लोगों को ऐसा दिखाया गया है ना कि स्पिरिचुअलिटी कुछ बहुत भारी हैवी वेटेड सी चीज है, जिसके नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है और जाओगे तो उलझ जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है, एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते हुए विद्यार्थी डरते हैं। जबकि इसके विपरीत जो रियलिटी है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सरल और बहुत सहज है, और इसका आवरण लगभग हम सभी ने जाने अनजाने पहना हुआ है। स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने का एक बैलेंस तरीका है, जी हाँ, लाइफ को जीने का एक बैलेंस तरीका ही स्पिरिचुअलिटी है। उसके अलावा आडंबर, ढोंग, दिखावा, ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को हम लोगों से इतना दूर रखने के लिए इसको ऐसा बना दिया गया एक्चुअली। अब स्पिरिचुअलिटी क्या हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? जी हाँ, हम सभी लोग एक्चुअल में डेली लाइफ की स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग जाने कुछ लोग अनजाने, कुछ लोगों को पता है कि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है। आप रोज सुबह उठ रहे हैं सूरज के साथ में, रोज अपने काम पर जा रहे हैं, ये सब कुछ आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए ही कर सकते हैं। अपने काम करना, मेहनत करना, अपने रिलेशनशिप के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाना, दूसरों की इज्जत करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी का ही तो पार्ट है। हम कोई भी स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं है, पर हाँ अगर हम इसको जानकर करें, इसको समझकर करें, इसको सीखकर करें, तो शायद हमारी लाइफ अलग ही तरीके से चमक सकती है, राइट। अब कुछ शब्द लोगों के ये होते हैं कि भाई क्या हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए कोई गुरु बनाने की जरूरत है, कुछ स्पेशल दीक्षा की जरूरत है? देखिए इतना समझिए कि आप दुनिया के किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका धर्म है, रिस्पेक्टेड रिलीजन आप किसी से भी हैं, अब उसको उस रिलीजन में जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, भगवत गीता में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से अगर मैं अपना जीवन जी लूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके बाद में चाहे मेरे पास गुरु है या नहीं है, राइट। हमारे धर्म ग्रंथ हमारा बहुत बड़ा गुरु है, और अगर आपके पास वो सब कुछ मिलने के बाद भी आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो वो सोने पर सुहागा है, वो एक अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो आप ऐसे चिंतित मत होइए। आपके पास आपका जो भी धर्म ग्रंथ है या जो भी वाजिब चीज़ें आपके धर्म में आपको बताई गई हैं, नैतिक चीज़ें बताई गई हैं, उन मोरल ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हुए अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हैं बैलेंस तरीके से, तो आप स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट, अब स्पिरिचुअलिटी जीने के फायदे क्या क्या है, क्योंकि बिना फायदे के तो कोई इंसान कोई फायदा ही नहीं है, तो हम क्यों करें इसको प्रैक्टिस, राइट। स्पिरिचुअलिटी जीने के फायदे ये हैं कि पहला, आप एक्चुअल में लाइफ को समझ पाएंगे, लाइफ के मोटिव को समझ पाएंगे, अपना जो भी काम है ना आप उसको ठीक से कर पाएंगे, आपका फोकस हिलेगा नहीं, फिर आप क्लैरिटी के साथ में अपनी लाइफ जी पाएंगे, एक्चुअली में आप शाइन कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, जो चाहते हैं ना, कहते हैं जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसकी जिंदगी में रोड़े तो बहुत आते हैं, पर वो जो चाहता है वो एक्चुअली में कर पाता है, वो चमकता है, वो प्रकाशित करता है दूसरों को और खुद भी प्रकाशित होता है। तो जितने भी आपके छोटे बड़े जैसे भी लक्ष्य हैं, उन सब लक्ष्यों को पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, राइट। अब नेक्स्ट, हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि हम लोग जाने अनजाने डेली स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस तो करते हैं, पर अगर आप एक्चुअल में इसके बेसिक सीखना चाहते हैं और समझते हुए उन चीज़ों को करना चाहते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, अपनी जिंदगी को नियमित और संयमित रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, नियमित और संयमित, जैसे कि समय पर जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में रोज सुबह 4 बजे उठ जाए, पर आप उस टाइम पर जागे जिसके बाद में आपको ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत ना पड़े कि आप ऑफिस के लिए लेट हो गए, आप इतना लेट हो गए कि आपको ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ रहा है, आप इतना लेट हो गए कि आप 2 घड़ी अपने घर में बैठ के प्रॉब्लम भी नहीं सुन सकते। मम्मी कुछ कह रही है, वाइफ कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, भाई बहन कुछ कह रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं कि ऑफिस के लिए भागना है, राइट? इतना इस टाइम पर उठ जाए, राइट? तो एक नियमित समय पर आप उठे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, आपके अंदर बॉडी के अंदर जितना भी जो वेस्ट है, जब तक आप एलिमिनेट नहीं करेंगे ना चीज़ों के, तब तक आप हमेशा नेगेटिव रहोगे, आप आलसी रहोगे, आप लाइफ में किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी, राइट? और क्लैरिटी के लिए, कुछ पाने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी चीज़ है समझने वाली है कि आपके अंदर का जो वेस्ट है वो रोज़ सुबह बाहर आना चाहिए। आपको रोजाना शौच जाना है, रोज गंदगी को बाहर निकालना है। दूसरा, मानसिक गंदगी आपको हटा देनी है, आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुकी हूँ क्लैरिटी के लिए। आप मेडिटेशन करें, आप चैंटिंग करें, बहुत कुछ है। तो आपको क्लीन होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहरी आवरण से भी और आंतरिक आवरण से भी, शारीरिक मानसिक हर रूप से आप क्लीन हो। अगर आपके अंदर कहीं पर भी कोई मैल छिपा हुआ है, चाहे शरीर पर कोई मैल है या अंदर कोई मैल है या दिमाग में कोई मैल है, मैल राक्षस का काम है, मैल ही नेगेटिविटी है एक्चुअली में। ये जो मैल है ना, ये आपके अंदर आलस जनरेट करेगा, आपको अच्छी चीज़ों से दूर करेगा। आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली में जो अड़चन जो लेकर आता है, जो ख्याल आते हैं ना कि आप नहीं कर रहे हैं, आप ऊब गए हैं, सब कुछ आपके मैल के कारण हो रहा है, चाहे वो मैल मानसिक है, चाहे वो आंतरिक है, चाहे वो बाहर के आवरण का शारीरिक है। तो आपको क्या करना है, रोजाना एलिमिनेट करना है किसको, मैल को, अपने थॉट से, अपने अंदर के सिस्टम से और अपने बाहर से, राइट? इसके अलावा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने वस्त्रों को भी स्वच्छ रखना है। वस्त्रों का मतलब, देखो स्पिरिचुअल इंसान वो नहीं है जो रोज कुर्ता पजामा पहन के, धोती कुर्ता पहन के तिलक करके वो निकल जाए बाहर जाके, वो चाहे कितने ही पाप कर दे। नहीं, आप इंडियन पहने, वेस्टर्न पहने, वो आपकी अपनी इच्छा है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहे, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन, दैट्स इट, राइट? टू योर फूड, खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो आप हैं, आपका आचार विचार, ये सब कुछ आपके व्यवहार, आपके खाने पर डिपेंड करता है। अगर आपका खाना स्वच्छ है, शाकाहारी है, तो आपकी सोच भी स्वच्छ होगी, क्लैरिटी आपकी लाइफ में होगी, का जो विजन है वो अच्छा होगा, आप एक नेक्स्ट लेवल, एक अच्छे अपडेटेड वर्जन अगर आपको बनना है तो आपका खाना सही होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, व्हाई डू आई ईट वेजिटेरियन फूड, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जरूर देखिएगा, राइट? तो अगर आप सही खाना खाते हैं, संयमित खाना खाते हैं, संतुलित खाना खाते हैं, तो आप एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने लायक होते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, राइट? बहुत से साधु संत हैं जो व्रत करते हैं। मैं पिछले 20 दिनों से सावन शुरू हुआ है, तो मैं तब से फास्टिंग पर हूँ, एक टाइम खाना खा रही हूँ, और उसके बाद भी मैं अपने सारे काम एक्टिवली कर पा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इससे होता ही है कि हमारी वासना दिमाग में नहीं आएगी, किसी चीज़ को देखकर लार नहीं टपकेगी कि अब ये कपड़े ले लो, अब ये चीज़ खा लो, अब हमें ये पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है, हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, उसके लिए हम अपना काम छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना, आप अपने खाने को, अपनी जिह्वा को नियंत्रित करके आप एक्चुअली में कर सकते हैं, राइट? थ्री, रेगुलर एक्सरसाइज। मैंने आपको कहा है कि संयमित जीना। देखिए, एक्सरसाइज का फर्क ये है कि आपने खाना खाया, बहुत एनर्जी ले ली, जितनी बॉडी को चाहिए उससे भी ज़्यादा एक्चुअली में ले ली, पर वो एनर्जी जितनी बॉडी को चाहिए उतना बॉडी रखेगी, बाकी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर एक अलग ही तरह के मानव को जन्म देती है, जैसे कि वो नेगेटिविटी, वो बेकार के कॉन्फ्लिक्ट, बेकार के थॉट, स्ट्रेस, एंगर और बेकार की जो व्याधियां हैं, राइट? तो आपने इस हाथ, दो हाथ दिए, इस हाथ से एनर्जी ली, इस हाथ से एनर्जी छोड़ दी। एक्सरसाइज करनी है, जिम जाकर डोले शोले बनाना उसको मैं एक्सरसाइज नहीं कहूंगी, रोज आना अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो आप 15 मिनट, मोर देन इनफ है, या कोई भी आप एक्टिविटी करो जिससे कि आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है, जो वेस्ट है, उसको आप बाहर निकाल सको। वो आपकी अपनी चॉइस की हो सकती है, जिसमें आपको मजा आता है आप वो करो, आप डांस करो, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट, पूजा पाठ। हम कौन सी पूजा पाठ करें, हम ऐसी पूजा पाठ करो जिसके लिए आप रोजाना समय निकाल सको।
अगर आपका काम ऐसा है कि भाई मुझे रोज 12 घंटे ड्यूटी करनी है और आप सोच रहे हो मैं 3 घंटे पूजा पाठ करूंगा या करूंगी, तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सर जाए हमें कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें करनी है? देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का मतलब ढोंग दिखावा आडंबर सुपरस्टिशन ये बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब एक वो प्रैक्टिस जो आप डेली बेसिस पर कंटिन्यूटी के साथ में आप अडॉप्ट कर सकें बिना ब्रेक किए हुए, और जो आपको एक्चुअली में मेंटल पीस दे, जिसको करने के बाद में आप रिलैक्स फील करें, आप प्रसन्न फील करें, आपके सामने यू नो आपके सामने अच्छाइयाँ हों। जिसको करने के बाद इट कैन भी आप कोई ह्यूमैनिटी की सर्विस कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, चिड़िया को दाना डाल सकते हैं, आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, आप चाहो तो मेडिटेट कर सकते हैं, टाइम हो तो कभी मंदिर जा सकते हैं, मन करे तो चैंटिंग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर अडॉप्ट कीजिए, या फिर 2 प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वो कीजिए, आपका मन करता है आप चैंट कर सकते हैं, साथ में आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, आप ये कीजिए। तो इनमें से जो भी प्रैक्टिस आपका मन करता है ना वो आप अडॉप्ट कीजिए, पर उसको कंटिन्यू करना है बिना ब्रेक किए भी करना है, और ऐसे नहीं सोचना कि बहुत बड़ा भार मेरे मन पे है। कुछ बेसिक थे स्पिरिचुअलिटी के, हाउ यू कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। मैंने ऑलरेडी कहा था ये चीज़ें आप डेली बेसिस पर एक्चुअली में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप जानकर समझकर अगर आप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो एक्चुअली में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप, नहीं पसंद आया तो थम्स डाउन, एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हरे कृष्णा।